अज आप पार्ट सैवन लास्ट पार्ट है यह डिटरमीनेंट चैप्टर का 12th क्लास का पार्ट सैवन है यह। इस तो पहला जिन्हें भी पॉइंट्स कवर करने से हरेक टाइप का क्वेश्चन असी थानू करवा चुके हैं। आ लास्ट रहा मैट्रिक्स मैथड किनू कहते हैं, कंसिस्टेंट है सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट है सोल्यूशन, यह किदा सॉल्व करना है। ये दो टाइप के क्वेश्चन है मैट्रिक्स मैथड के, और मैट्रिक्स मैथड हमेशा पेपर के 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखो मैट्रिक्स मैथड किवें करीदा आ। क्वेश्चन करन तो पहला तुसी साडे चैनल विजडम एजुकेशन पॉइंट RDC नू सबसक्राइब करो, शेयर करो, मैडिकल नॉन मैडिकल रिलेटड आईलैट्स दे नाल इंग्लिश दे नाल रिलेटड सारे टाइप दीआं वीडियोज़ तुहानू इस चैनल दे उत्ते प्रोवाइड कीतीआं जाऊगीआं। तो असी सारे सिलेबस दे अकॉर्डिंग करवाउने आ, जिद्दां सानू फाइनल एग्जाम दे विच पेपर आउणा उस दे अकॉर्डिंग तुहानू वीडियोज़ पाईआं जांदीआं आ। नाओ मैट्रिक्स मैथड तुसी किद्दां सॉल्व करना, इक्वेशन्स दे विच भी दित्ता हो सकता है जां बिना इक्वेशन्स तो भी दित्ता हो सकता है, ठीक है। इक्वेशन दे विच अगर तुहानू दित्ता 5x + 2y इज इक्वल टू 4, स्टैप वाइज चलना है क्वेश्चन नू, और स्टैप तुसी छड्डने नहीं हैगे। जिहड़ा बच्चा स्टैप छड्डदा ना उहदे पेपर दे विचों मार्क्स जिहड़े आ उह कट हो जांदे आ। हुण जे तुसी स्टैप वाइज करदे आ कोई क्वेश्चन, अगर कोई स्टैप विचों गलत भी हो जांदा तुहाडा क्वेश्चन एंड ते गलत भी हो जांदा, तां उपर जिन्ने स्टैप तुसी सही लिखोगे उहदे तुहानू मार्क्स दित्ते जाणगे। हुण देखो तुसी लिखना किद्दां आ, सब तो पहलां तुसी इहनू स्टार्ट करना है। ए बराबर के दिया गया, ए मतलब मैट्रिक्स जिहड़ी आ उह किद्दां लिखोगे तुसी, जो भी इहदे विच डिजिट दित्ते होए आ किन्ने आ 5, 2, 7 और 3, ठीक है। एक्स बराबर, एक्स बराबर मतलब जिहड़े वेरीएबल यूज कीते आ किहड़े, एक्स और वाई, ओके। ते एक होना तुहाडे कोल बी, बी बराबर जिहड़ा इज इक्वल टू तो दूसरी साइड ते आ 4 और 5, फस्ट स्टैप तुहाडा सॉरी डिवाइड नहीं पाउणा 4, 5, ओके। फस्ट स्टैप तुहाडा आह होना, ओके। तो उस तो बाद तुसी की करना है, डिटरमीनेंट फाइंड करना। देखो डिटरमीनेंट फाइंड करना तुहानू चैप्टर का बेसिक जो कराया सी स्टार्टिंग वाली वीडियो पार्ट 1 उहदे विच दस्या सी कि किवें डिटरमीनेंट फाइंड करना। हुण तां बहुत छोटा आ सिंपल जी चीज़ है, तो इहदा डिटरमीनेंट तो सीधा सीधा ही निकल जाना, क्योंकि अगर 3x3 की मैट्रिक्स होवे तां डिटरमीनेंट थोड़ा डिटेल च कढ़ना पैंदा। आह बहुत ईजी है, किन्ना हो गया उपरों नीचे नूं मल्टीप्लाई कीता किन्ना हो गया 15 - 14, किन्ना आ गया यह 1, जाने के नॉट इक्वल टू 0। जो नॉट इक्वल टू 0 आ, तो ए जिहड़ा आ जो भी तुसी ए मन्निया उहनू जो भी तुहाडे मैट्रिक्स आ वह की हो जाती है इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। नॉन सिंगुलर हो जाती है, ए का इनवर्स जिहड़ा आ वह एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एक सिस्टम का एंड सिस्टम हैज अ यूनीक सोल्यूशन, ओके। नाओ हुण आपां स्टार्ट करदे आ, तुसी चैक करना सब तो पहला कि ए दा डिटरमीनेंट जिहड़ा आ ओह 0 दे बराबर होवेगा कि नहीं होवेगा, ठीक है। उस तो बाद हुण असी उस तो बाद आउंदे आ एडजॉइंट ए ते। हुण देखो एडजॉइंट ए वाली वीडियो तुहानू लिंक दे विच दित्ती होई आ, डिटेल दे विच मैं कराई सी पार्ट 4, 5 दे विच, मे बी तुहानू लिंक दे विच मिल जाएगी। उहदे विचों तुसी देखो कि एडजॉइंट ए किद्दां कढ़ना आ। एडजॉइंट ए कढ़न दे लई पहला की करीदा हुंदा, ए 1 1, और इत्थे तुहानू दस्या सी कि ईवन ऑड वाले दे किद्दां माइनस पैणी आ, उह तुसी वीडियो नू बहुत डिटेल दे विच देखो, क्योंकि इत्थे बच्चे बहुत गलती करदे आ। हुण साडे कोल ए 1 1 किन्ना सीगा, साडे कोल 5 सीगा ए 1 1, हुण इहदे ऑपोजिट की हैगा 3, तां ए 1 1 दा आंसर किन्ना आ जाएगा 3, ए 1 2 दा आंसर किन्ना आ जाएगा, इहदे ऑपोजिट की आ 7, लेकिन ऑड आ तां माइनस पै गई। अगे की है ए 2 1 का आंसर किन्ना आ जाएगा 2, क्योंकि ऑड है तो माइनस पै गई। ए 2 2 का किन्ना आंसर आ जाएगा 5, क्योंकि ईवन है तो माइनस नहीं पई। हुण माइनस किद्दां पाई मैं किद्दां नहीं पई ए उस वीडियो दे विच बहुत डिटेल दे विच दस्या होया कि ईवन दे नाल माइनस नहीं पैनी, ऑड दे नाल माइनस पैनी है, ठीक है। हुण एडजॉइंट ए जदों असीं लिखणा आ तां एडजॉइंट ए किहदे बराबर हुंदा आ 3 - 7 - 2 - 5। पहलां इहदा ट्रांसपोज लिखोगे, ठीक है। उस तो बाद देखो ट्रांसपोज वाली वीडियो भी थानू लिंक दे विच मिल जाएगी, किवें तुसी रो ते कॉलम नू चेंज करना है, ठीक है। 3 - 1 - 2 - 5 आ थोड़े कोल ट्रांसपोज सॉल्व हो गया, ओके। एडजॉइंट असी फाइंड कर लई आ। हुण थोड़े कोल इनवर्स कढ़न दा तरीका की है, पहला ए दा इनवर्स फाइंड कर लो, उही जिहड़ा पिछे डिटेल दे विच क्वेश्चन थानू करवाया गया सी ए दा इनवर्स कढ़न दा, उह की सीगा 1 / ए दा डिटरमीनेंट * एडजॉइंट ए, आही सीगा
पहला इत्थे तक सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, फिर मैट्रिक्स मैथड अगे जाके लगाने हैं, क्योंकि उस दे विच सानू ए दे इनवर्स की जरूरत पैनी है। हाँ जी, ए दा डिटरमिनेंट किन्ना सी, 1/1, क्योंकि 1 ही सी आंसर उहदा। एडजॉइंट किन्ना साडे कोल, 3 -2 -1 -5, एना ही आंसर आ गया ए दा इनवर्स का भी। हुण देखो, जो तुसीं मैट्रिक्स मैथड लगाउणा आ तां उह किहदे बराबर हुंदा, ए एक्स इज इक्वल टू बी अकॉर्डिंग टू यूर क्वेश्चन। आ थोड़े को ए सी नाल उहदे एक्स आ, इज इक्वल टू आ बी पार्ट सी, इहदे लिख लिया एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू ए दा इनवर्स बी। ठीक है, हुण इक्वेशन पुट कर दो, ए दा इनवर्स मैं हुणे फाइंड कीता, 3 -2 -1 -5, बी साढ़े कोल की सीगा 4 -5। ठीक है, इनू मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई तो थानू पहले ही दस्या होया, जे नहीं पता तो थानू लिंक दे विच वीडियो मिल जाएगी, मल्टीप्लाई किदा करना मैट्रिक्स नू रो और कॉलम दे नाल। ठीक है, मैं थानू डिटेल दे विच ना जांदे हुए सीधा आंसर दस दिंदी हुण, 2 और 3 -3 इहदा आंसर आ जाएगा, इत्थे की सीगी एक्स और वाई, क्योंकि मैं बार बार मल्टीप्लाई करना थोड़ी दसूंगी, थोड़े को पहला वीडियो पई हुई है लिंक के मैट्रिक्स चैप्टर की, मैं थोड़ा लिंक के दे दूंगी, वह तुम उतो देखियो कि मल्टीप्लाई किदा करीदा रो और कॉलम लैके। ठीक है, यदा मतलब साढ़े को एक्स बराबर 2 आ गया, वाई बराबर आ गया -3, ये को सॉल्व हो गया मैट्रिक्स मैथड के नाल। ठीक है, हुण यदा दूसरे टाइप का मैथड, ये दूसरी टाइप आ क्वेश्चन थानू दिता हुआ, हुण इस क्वेश्चन के देखते हैं कि इनू किदा सॉल्व करना। सब तो पहला शुरुआत उतो ही, ए बराबर के 1, 3, 2 और 6। ठीक है, एक्स बराबर के एक्स और वाई, और बी बराबर के 5 ते 8। ओके, जाने के ए साढ़े को सी ए एक्स इज इक्वल टू बी, आ चीज़ दिती हुई है। हुण की करते सी, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला डिटरमीनेंट फाइंड करते हैं, डिटरमीनेंट कि हो गया साढ़े को 1, 3, 2 और 6, इनू सॉल्व किया इस चीज़ ना, इदा सॉल्व करना ना, 6 -6 = 0। हुण किदा करांगे, हुण तां इज़ इक्वल टू डिटरमीनेंट इज़ इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, इहदा मतलब यह इनकनसिस्टेंट आ, अगर इनकनसिस्टेंट आ तां हुण इहनू सॉल्व करन दा तरीका थोड़ा जिहा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ए दा इनवर्स जिहड़ा आ उह एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ए दा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता जदों तुहाडे कोल इज़ इक्वल टू 0 आ जावे डिटरमीनेंट, तां सॉल्व किदा करना आ, पहला इहदे को फैक्टर फाइंड करो, ए 1 1 किदा हो जाएगा, की सीगा ए 1 1, साढ़े कोल 1 सीगा, इहदे ऑपोजिट की आ 6, ए 1 2 दे ऑपोजिट की आ 2 -2, ए 1 3 2 1, क्योंकि 1 3 तो है ही नहीं ना, 2 1 दे ऑपोजिट किन्ना आ 3 -, क्योंकि यह ऑड नंबर है। ठीक है, ए 2 2 किन्ना आ गया साढ़े कोल, इहदे ऑपोजिट किन्ना 1। ओके, क्योंकि 2 by 2 की मैट्रिक्स है ना, तो सिर्फ ऑपोजिट देखने, अगर थोड़े को 3 by 3 की मैट्रिक्स हो गई तो वो थानू डिटेल सॉल्व करनी दसी हुई है, तुसी वीडियो देखोगे तो थानू समझ आ जाएगी, जिथे एडजॉइंट ए वाली थोड़ी लिंक के मिल जाएगी थानू। एडजॉइंट ए किन्ना हो गया, हुण एडजॉइंट ए हो गया 6, क्योंकि ए 1 1 उहदी पोजिशन के उत्ते अक्षर लिख दईदा ना, ए 1 2 -2 -3 और 1, इहदा ट्रांसपोज, ट्रांसपोज नूं सॉल्व कीता, रो ने कॉलम बन जाणा, कॉलम ने रो बन जाणा, 6 -2 -3 ते 1, एडजॉइंट ए फाइंड कर ली। हुण क्योंकि ए दा इनवर्स तां एग्जिस्ट करदा नहीं, तां मैट्रिक्स मैथड किवें लगेगा उह थानू दसदी आ। हुण तुसीं करना आ नाओ, हुण तुसीं ए दा इनवर्स नहीं कढ़ना, हुण तुसीं कढ़ना एडजॉइंट ए इंटू बी, आ चीज़ फाइंड करनी है कि ए किहदे बराबर आ गई, ए इज इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहीदी। ठीक है, तां इहदे पहला वैल्यूज पुट कर लो, 6 -3 -2 और 1, अगे बी किन्नी सीगी साढ़े कोल 5 ते 8। ठीक है, इहनू सॉल्व कर लो, सॉल्व करन दा उही तरीका, फस्ट कॉलम लैनी आ, सैकेंड रो लैनी आ, ताकि थानू सॉल्व करना, एक मैं चीज़ सॉल्व करा दिनी आ, नीचे वाली तुसी खुद कर लेना। ठीक है, 6 × 5 किन्ना हो गया 30 ते 6 8 × 3 किन्ना हो गया 24 -2। ठीक है, इन्हां दोनों नू सॉल्व करके थाडे कोल किन्ना आंसर आएगा 6। इसे तरह दूसरी टाइप दे विच सैकेंड रो और इहदी कॉलम किन्ना आंसर आएगा -2, आ चीज़ आ गई। ठीक है, अगर थानू ये मल्टीप्लाई नहीं करनी आ रही तो तुसी लिंक दे विच वीडियो देखो, उस मल्टीप्लाई डिटेल दे विच दसी हुई है किवें करनी है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई।
ठीक है। हुण तुसीं इहदा आंसर देखिया नॉट इक्वल टू जीरो, आ नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, जानी कि साडे कोल एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो आया। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ तां की लिख देना सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इन कंसिस्टेंट, दिस इज योर आंसर। ठीक है, देखो इस चीज ने डिसाइड करना कि थोड़ा क्वेश्चन किदां सॉल्व होना है। अगर ए इज इक्वल टू जीरो आती है तो इस टाइप के नाल सॉल्व होना, अगर नॉट इक्वल टू, मोस्ट ऑफ केस दे विच नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, आ बहुत रेयर केस है यह। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ तो फिर एडजॉइंट ए का इनवर्स फाइंड करके आ मैट्रिक्स मैथड तुसी लगाओगे। आ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मैथड कहिंदे इहनू। जब तुसी इक्वेशनस दे विच, तुहानूं इक्वेशनस दे विच दित्तियां होंगे ना, उपर ना भी लिखा होया वी मैट्रिक्स मैथड नाल सॉल्व करो तो उहदे ते मैट्रिक्स मैथड ही लगना है। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती पई है, अलग अलग टाइप के थानू बहुत क्वेश्चन दिते हुए आ, कोई प्रॉब्लम आती पई है तो तुसी साडे चैनल विजडम एजुकेशन पॉइंट RDC नू सबसक्राइब करो। कोई भी प्रॉब्लम आती पई है तो तुसी कमेंट दे विच सानू दसो, हरेक तरह की प्रॉब्लम थानू सॉल्व करवा दिती जाएगी क्वेश्चन के नाल रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू।